अधिग्रमण की चपेट में नगरपालिका की सुविधा। नगरपालिका परिषद एक ओर लोगों को उचित मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका की मूलभूत सुविधा देने वाली वस्तुओं एवं जगह पर दबंगों का कब्जा बरकरार है। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर नगरपालिका अंतर्गत धनारे कॉलोनी गली नंबर 3 पर सामने है, जिसमें वाटर सप्लाई पंप एवं उसके आसपास की जगह पर दबंग का कब्जा हो चुका है। वहीं दूसरा मामला नगरपालिका से महज 100 मीटर की दूरी पर सुभाष पार्क पर सामने आया। सुभाष पार्क में नगरपालिका द्वारा आसपास दुकानों का निर्माण कराया गया था और इन दुकानदारों द्वारा अपनी सीमा बढ़ाकर पार्क की जगह पर ही कब्जा कर लिया है, जिससे पार्क में गंदगी भी फेंकी जाती है। वहां सुबह शाम भ्रमण करने वाले लोगों को जगह के साथ साथ साफ स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। वहीं नगरपालिका द्वारा पार्क में लगे झूले इत्यादि बच्चों की मनोरंजन सामग्री कभी देखभाल नहीं की जा रही। सब क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं और क्षतिग्रस्त सामग्री के साथ नगरपालिका लोगों को उचित मूलभूत सुविधा देने का वादा करती है। पार्क में अतिक्रमण है, इससे आपने क्या ऑब्जेक्शन लिया? पार्क में अतिक्रमण के संदर्भ में संबंधित अधिकारी हमारे CMO साहब और परिषद के सभी लोग अवगत हैं और इसमें कार्रवाई चल रही है। संबंधित अतिक्रमणधारियों को समय समय पर नोटिस और दिए जाते हैं। इससे पूर्व मनीष सिंह जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने इस पर सख्ती से कार्रवाई की थी। कुछ लोगों के अतिक्रमण हटा गए हैं, कुछ शेष रह गए हैं जिन पर कार्रवाई जारी। हमारे यहाँ के नरसिंहपुर के महिला संगठनों ने एक अपना जुलूस निकाला है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने ये गुजारिश की है कि हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पूर्व सैनिक, सैनिक अधिकारी और हमारे सभी साथी यहाँ पर एकत्रित होकर आए हुए हैं। और जैसा कि हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप सुभाष पार्क के अंदर हमारा सम्मान क्यों करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि वहाँ पर वॉर मेमोरियल है, उसके पास खड़े होकर हम आपका सम्मान करेंगे। तो हमको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हम नरसिंहपुर के नागरिक हैं और वॉर मेमोरियल एक आर्मी पर्सन के लिए पवित्र स्थल होता है, एक मंदिर के समान होता है। जब हमने यहाँ पर आकर देखा कि वहाँ तो कचरा पड़ा हुआ है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, अतिक्रमण है चारों तरफ, ये तो हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और हम चाहते हैं, हम सभी आर्मी के लोग हैं, हम सभी चाहते हैं कि वॉर मेमोरियल की इज्जत की जाए, उसका रखरखाव किया जाए, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और एक जो पवित्र स्थल है उसको हमारे युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारे आज के युवा हैं उनके लिए एक दर्शनीय स्थल बनाया जाए, ताकि वो देखकर उनके अंदर जोश आए और देश के प्रति श्रद्धा हो। सर, सुभाष पार्क में अतिक्रमण है और गली नंबर 3 पंप हाउस पास भी अतिक्रमण है, अभी तक सर कार्रवाई नहीं होती क्या? नहीं, अभी जो सुभाष पार्क की बात है, सुभाष पार्क में पिछले साल भी जो भी दुकानदार का जो अतिक्रमण था वो हमारे यहाँ से वैधानिक कार्रवाई करते हुए हटाया गया था। जैसा कि अभी आपने बताया है कि अभी उन्हें पुनः वो उस पीछे तरफ अपनी दुकान को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए नगरपालिका विधिवत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएगी।